श्रीमद् भागवत कथा को अलग अलग भाव से गाया गया है। एक जगह कथा भागवत की गाई जा रही है ज्ञान के लिए, और वो जगह है पार्वती और शंकर भगवान का कैलाश, जहां शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही हैं। वहां ज्ञान की आवश्यकता थी, गृहस्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसलिए पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं, रघुनाथ की, श्री राम की। एक कथा सनत कुमार गा रहे हैं और स्वयं नारद सुन रहे हैं। ये कथा क्यों गाई जा रही है? तो कहा, यहां पितरों का कल्याण करना है। नारद पितरों के कल्याण के लिए निकले हैं, और एक जगह कथा गाई जा रही है जहां गार्गी और मैत्रेय कथा सुन रहे हैं और नारद कथा सुना रहे हैं। ये वैराग्य के लिए कथा सुन रहे हैं, वैराग्य की कथा है। और एक कथा है कि सुखदेव सुना रहे हैं और परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, ये मुक्ति की कथा है। आप जामताड़ा वासियों कौन सी कथा सुनना चाहते हैं वो कहो, मैं फिर वही सुनाऊंगा। अरे महाराज, ऑप्शन मत दीजिए, आप तो हमें चारों घाट पर स्नान करा दीजिए। तो चलो चारों घाट पर ही स्नान कर लो। तम भागवतम कृतस्य व्याधिम मूलस्य रोगम भव सागरस्याम देवस्य आत्मनौ सर्वे जनानाम। भव सागर में, भव बंधन में, भव रोगों में फंसे हुए जीव को भागवत ऐसे निकाल लेती है जैसे डूबी हुई बाल्टी को लोहे का कांटा कुएं से निकाल लेता है। भागवत में ये लक्षण है। तो आज मैं जो कथा प्रारंभ कर रहा हूं वो ज्ञान के लिए भी है कि हमारा गृहस्थ कैसे सुखी रहे, वैराग्य कैसे हो इस भयंकर संसार से, लिप्त संसार से, तृष्णाओं से, और हमारे बुजुर्गों का कल्याण कैसे हो हमारे द्वारा, और हमारे अंदर कोई प्रेत घुस गया है, प्रेत माने बुराई, उस बुराई का नाश कैसे हो, और पुनः मेरा उत्थान कैसे हो, और मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष कैसे हो। सबसे प्रथम वक्ता है भागवत के शिव। भागवत चतुर्श्लोकी भी है, उसके प्रथम वक्ता ब्रह्मा ही हैं, और ब्रह्मा के परम शिष्य हैं नारद, नारद के शिष्य हैं व्यास जी, और व्यास जी ने इस परम पावन पुराण को दिव्य विस्तार देकर बृहद कर दिया। इसलिए अंतिम आसन जो है भागवत का वो श्री व्यास जी का, सुखदेव जी व्यास जी के सामने ही लीलाएं समाप्त करके चले गए थे, अर्थात पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं। भगवान सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के सामने ही उनकी इच्छाएं पूरी भी कर दी, भागवत का प्रचार भी कर दिया, जन जन भागवत पहुंचा दी, और उद्देश्य पूरा करके चले गए। उसके उपरांत श्री व्यास जी ने जब ये देखा कि मेरे पुत्र सुखदेव चले गए अपने लोक कैलाश में, तो उनकी अंदर की सारी ऊर्जा जो है समाप्त हो गई, पुत्र को मृत्यु में देखा। उसके बाद ही भगवान वेद व्यास जी ने अंतिम उपदेश पांडवों को दिया। पांडवों में किसको? अभिमन्यु के पुत्र जन्मजय राजा को कथा व्यास जी ने अंतिम सुनाई है, और वो कथा देवी भागवत है। इसके बाद भगवान वेद व्यास भी अपने लोक वैकुंठ चले गए। उसके बाद हमारे तुम्हारे जैसे जो भगवान के कोई कृपा पात्र हैं, वह व्यास जी की गद्दी का सम्मान बढ़ा रहे हैं,
और उनकी कथाओं को गा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक बार बोलिए व्यास भगवान की जय हो। व्यास की गद्दी पर बैठने वाला हर एक शरीर भाग्यवान है। भगवान सुखदेव जी ने सन्यास लेकर कथा सुनाई थी, गृहस्थ में जब तक थे तब तक उन्होंने कथा गाई नहीं थी, कथा सीखने के बाद ही विवाह किया था, सब उनके बारे में जानते हैं।